160 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं। दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई, फलस्वरूप इस साल पैदावार भी उतनी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी जो पैदावार है वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी, पर मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, परंतु वहाँ पर गल्ला भेजने का कुछ प्रबंध किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। पिछले 2 साल में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की और बड़े गर्व की बात है। पर यदि अन्न की उपज हमें बढ़ानी है तो हमें पानी का प्रबंध करना होगा। उधर वर्षा की बहुत कमी है, खास तौर से मैं अपने इलाके की बात आपको बताना चाहता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिया है, जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है, उनको बड़ी परेशानी होती है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब पानी मिल जाएगा। 3 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। मैं समझता हूँ कि पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है, पर अब आपने नलकूप पर टैक्स लगा दिया है, यह बहुत ही खराब बात है। खेती सही मायने में अभी शुरू ही हुई है, जो कमी है उसको हमें पूरा करना है। जो टैक्स लगा दिया गया है उससे इस काम में बाधा पैदा होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें, जिससे किसानों को किसी प्रकार की राहत मिले। पैरा सभापति महोदय, मैंने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता की और उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यालय को भेज दी थी। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के विरुद्ध इस बात को ध्यान में रखकर लाया जाता है कि उस सरकार की नीतियां सफल हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों में विभिन्न विरोधी दलों को वहां का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे देश की जनता ने देश का कार्य चलाने के लिए भारत का शासन कांग्रेस सरकार के ही हाथों में सौंपा है। पर हमारे देश की जनता का विश्वास था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसके ऊपर विश्वास प्रकट किया जा सकता है, और इसलिए केंद्रीय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। मुझे दुख है कि बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक छोटे से मामले को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगर इसी प्रश्न के ऊपर इस सदन को विचार करना था तो अविश्वास के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी हमारे नियमों के अंदर व्यवस्था है जिसके अनुसार हम इस सदन के अंदर इस प्रश्न का विचार कर सकते थे, लेकिन जनसंघ के नेता ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उनका आरोप है कि केंद्रीय सरकार ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है वह अनुचित है और संविधान की अवहेलना की गई है, जनतांत्रिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि वहाँ जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आए थे उनको राज्यपाल ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है और कहा है कि
कांग्रेस पार्टी जो वहां का सबसे बड़ा दल है, केवल उसी को वहां पर सरकार बनाने का अधिकार है। एक तरफ आप मापदंड लगाते हैं कि राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों की अवहेलना की गई है और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।